गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरमान सर। आज आपको हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 2.4। इसमें अब आपको सिखाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करना। आपको हमने फार्मूला समझा चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है ए प्लस बी का और ए माइनस बी। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आज आपको सिखाने वाले हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, वो बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन वाइज आपको समझाते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपका, यहाँ 25x² माइनस 36y². देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए स्क्वायर में यहाँ आ रहा है, यहाँ स्क्वायर में आ रहा है, यहाँ होल कुछ नहीं लगा हमारा, होल में हमारा यहाँ स्क्वायर हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारा कितना है 25x² माइनस 36y². अगर ये दोनों स्क्वायर में अगर हो जाए पूरा, देखिए यहाँ एच स्क्वायर तो हमारा स्क्वायर में है ही एक्स, मगर 25 हमारा स्क्वायर में है नहीं है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम बनाते हैं। यहाँ 5x का होल स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर होता है 6। देखिए इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमको अधिकतर सभी नंबर का हमको स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 20 नंबर या 25 नंबर तक आपको स्क्वायर इसको लर्न होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को अब यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो देखिए हमारा होता फॉर्मूला यहाँ पास लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगने वाला है 5 है तो 5x का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर कीजिए आप, a की वैल्यू हमारी 5x है, b की वैल्यू हमारी 6y है, तो यहाँ इक्वल लगाइए, जहाँ ए हो वहाँ 5x लिख दीजिए, प्लस का प्लस साइन लगेगा, जहाँ बी हो वहाँ 6y लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर अदर ब्रैकेट में आते हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 5x और बी की वैल्यू हमारी कितनी है 6y। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आंसर लिख दीजिए। ठीक है, कभी कभी हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे मान लेते अगर हमारे लिए है 5x + 7y 5x - 7y। हमने आपको समझाया था कि फॉर्मूला को कुछ भी याद कीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला अगर याद करते हैं तो इधर से आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से आप फॉर्मूले को याद करना ज़रूरी रहता है। यहाँ देखिए हमारा कितना है 5x + 7 5x - 7। तो यहाँ आप देखिए इससे कंपेयर कीजिए, देखिए हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है कि नहीं, यहाँ हमारा किस तरह दिख रहा है, देखिए 5x + 7 5x - 7। तो यहाँ फॉर्मूला हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पास हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारा कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए इस फॉर्मूले को हम उल्टा करके देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा कितना है हमारा 5x + 7y 5x - 7y इज इक्वल टू, कंपेयर कीजिए, देखिए ए की वैल्यू हमारी 5x मिल रही है, बी की वैल्यू हमारी कितनी मिल रही है 7y मिल रही है, जहाँ ए है वहाँ 5x का स्क्वायर लिख दीजिए और जहाँ बी है वहाँ 7y लिख लेंगे हम लोग, 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लगाइए, 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 25 और एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 49 और वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने दो क्वेश्चन आपको करवाया है, लेफ्ट टू राइट आपको हमने सिखाया है और राइट टू लेफ्ट आपको सिखाया है। ठीक है, तो ऐसे हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट जरूर दोस्तों किया करिए हमारा। अगर आपको कोई इसमें कुछ कमी दिख रही है, कुछ और भी सीखना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए हमको। थैंक यू दोस्तों।